ये वीडियो को देखने से पहले मैं तुम लोगों को वार्निंग दे देना चाहूंगा कि ये एक रोमांस कहानी है, तो बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, पर ख्वाब मत पालके के बैठ जाना कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई आएगा मेरी तरह, नहीं तो फालतू में डिप्रेस और उदास रहोगे। एनीवे, कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर योका से, जो अकेला सोया हुआ है और रूम में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली होती है। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजती है। योका उठता है और बोलता है, रुको भाई, मैं आ रहा हूं। जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी होती है। वो बोलती है, क्या आप मुझे मेड की जॉब पर हायर कर सकते हो? योका उसे अपने घर के अंदर लाता है, क्योंकि ब्यूटीफुल थी लड़की, पर यह नल्ला पका एक फूल है। एनीवे, योका लड़की को बैठाकर कहता है, सॉरी, मम्मी पापा घर पर नहीं है तो घर काफी गंदा है। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए जूस लाता हूं। इसके बाद योका जूस लाकर देता है और उससे पूछता है, तुम मेड के काम में कितना एक्सपीरियंस हो? इस पर मेड बोलती है, मुझे बस एसिनेशन आता है और मैं अपने मास्टर को किसी भी दुश्मन से बचा सकती हूं। यह सुनते ही योका की फट जाती है और डरते हुए बोलता है, तुम मजाक कर रही है ना? लेकिन मेड को मजाक का मतलब ही नहीं पता था। इससे योका घबरा जाता है और पूछता है, तुम्हें यहां किसने भेजा? मेड ब्लूड रिलेशन का क्वेश्चन बताती है, जिस पर योका बोलता है, मतलब हम लोग स्ट्रेंजर है, तो मेड उसे घूरने लगती है। तब योका टॉपिक चेज करके बोलता है, अच्छा तुम एसिनेशन में बेस्ट हो तो क्यों ना तुम मुझे इसके कुछ मेथड दिखाओ। अब सीन चेंज होता है, हम मेड को देखते हैं जो काफी सारे चाकू अपने हाथ में पकड़ती है और सीधा एक पेड़ पर मारती है और सारे निशाने पर लगते हैं, जो देखकर योका के होश उड़ जाते हैं, मगर फिर भी वो मेड को काम पर रखने से मना कर देता है, क्योंकि योका कोई सेलिब्रिटी नहीं है जिसके कोई मारना चाहता है। वहीं ये सुनकर मेड काफी उदास हो जाती है और उसे गुड विशेस देखकर चली जाती है। अब सिन स्टेशन का दिखाया जाता है, जहां मेड सोच रही थी कि वो अब क्या करेगी। तभी वो देखती है उसके पास योका दौड़ता हुआ आ रहा है, हाथ में एक मोती लेकर, जो मेड का ही होता है। अब योका जैसे ही रोड पार करके आ रहा होता है, वैसे ही एक ट्रक उसे थोक देता है और योका दूसरी दुनिया में चला जाता है। जस्ट किडिंग दोस्तों, मेड उसे बचा लेती है और योका के ऊपर ही गिर जाता जाती है और वो काफी ब्लश करती है, क्योंकि पहली बार उसने किसी की जिंदगी बचाई थी, जिससे उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। यानी प्यार के अलावा भी दिल जोरों से धड़कता है नींबो। अब मेड बाय बोलकर जाने लगती है, पर योका उसे रोकते हुए कहता है, मुझे एक काम करने वाली औरत चाहिए, क्या तुम मेरी सर्वेंट बनोगी? वो मेरे घर के काम करने में मदद करे। इसी के साथ हम योका को काफी डरे हुए देखते हैं, क्योंकि मेड अपना चाकू का कलेक्शन दिखा रही थी और सबकी खासियत बता रही थी, जिस पर योका कहता है, अरे मुझे सिर्फ क्लीनिंग करवाना है। तो मेड बोलती है, मैं किसी को भी मार के तुरंत क्लीन कर सकती हूं। योका बोलता है, मेरा मतलब है, क्या तुम ये सब कचड़ा साफ कर सकती हो? तो मेड बोलती है, क्या उसमें किसी की डेड बॉडी है? अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेड को घर का काम करने बिल्कुल भी नहीं आता था, जो फिसल कर गिरने वाली होती है, लेकिन योका उसे कमर से पकड़ लेता है और दोनों में किस हो जाता है, ऐसा मुझे लगा था। पर कहानी में मेड खुद को बचा लेती है, जिस पर योका उसे नली लड़की बोल देता है, जिससे उसको काफी बुरा लगता है। तब योका साइकोलॉजी इस्तेमाल करते हुए उसके सर से बाल्टी हटाता है और टॉवेल रखते हुए कहता है, मैं तुम्हें सीखने की पूरी कोशिश करूंगा, क्या तुम दिल से सीखेगी? जिससे मेड को दिल ढलकने लगता है, और इस बार नीवो लोगो प्यार था ये, अच्छा वाला। इसके बाद दोनों मिलकर घर का साफ कर देते हैं और योका मेड से पूछता है, मिस सर्वेंट, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? जो सुनकर वो पपी वाला शक्ल बनाती है। तो योका कहता है, कोई नहीं, मैं तुम्हें एक बढ़िया डिश खिलाता हूं, तो जाओ तुम जाकर नहा लो। अब मेड को नहाते हुए देखते हैं, वहीं योका काफी शर्मा रहा होता है कि एक इतनी सुंदर मेड मेरे घर में अकेले है, क्या वो टॉवल पहनकर बाहर आएगी? पर मेड फूल ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जिससे योका का दिल टूट जाता है, जैसे मेरा इस वीडियो का व्यूज देखकर टूटने वाला है। मतलब दोस्तों, इतना मेहनत से बनाता हूं, पर तुम नल्ले लोग कमेंट भी नहीं करते हो कि भाई मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट कर रहा हूं, ये लोग 10 रुपए और मोबाइल का डाटा भरा लो। अहम तो चलो कहानी को अब देखते हैं। यहां योका मेड को खाना देकर पूछता है कि ये कैसा है, जिस पर मेड का कोई खास रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसने हमेशा से एसिनेशन का काम ही किया है, जिससे ये कोल्ड हार्टेड पर्सन बन गई है। अब रात पर सीन शिफ्ट होता है, जहां योका को बुरे सपने नाइटमेयर आ रहे थे, जिससे वो जग जाता है और नीचे किचन में जाता है और वहां वो मेड को देखता है जो सॉस खा रही थी, और वो योका को देखकर डर जाती है, तो योका उसे शांत करता है और फिर खाना बनाता है।
इसके बाद दोनों बालकनी में खाते खाते बातें करते हैं, जहां मेड बताती है कि जब उसने योका के रूम से आवाज आते देखा तो उसे लगा कोई एसिनेशन होगा, पर योका उस समय चिल्ला रहा था जिससे मेड को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। तब योका बताता है, ये मुझे बचपन से आता है, तब मैं माँ के गोद में सो जाता था तो मुझे नाइटमेयर नहीं आते थे, जिस पर मेड बोलती है, तुम मेरे गोद में ही लेट सकते हो। तो योका शर्माते हुए मना करने लगता है कि मैं अब एडल्ट हूं और तुम्हारे साथ कैसे कर सकता हूं। ये सुनकर मेड का फ्लैशबैक आने लगता है, जहां कोई उससे बोल रहा होता है कि तुम बस एसिनेशन के लिए ही बनी हो, तुम नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती हो। लेकिन ये सब तुरंत खत्म हो जाता है जब योका उसके गोद में लेट जाता है, जहां मेड उसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने को बोलती है और दोनों फिर प्रजनन करते हैं, और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। जस्ट किडिंग गाइस, ये एपिसोड खत्म हो जाता है, आगे का वीडियो आएगा जब इस वीडियो पर 100 लाइक आते हैं या फिर तुम 100 कमेंट पूरा कर देते हो तब।